आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वीतराग धर्म अनेकांत। वीतराग धर्म किसे कहते हैं? जो धर्म अहिंसा प्रधान हो, जो धर्म राग द्वेष से मुक्त हो, जो धर्म सर्व कल्याणकारी हो, जो धर्म समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो, वह धर्म जो सबका उत्थान करने वाला हो, वह धर्म जो सबको मुक्ति में ले जाने वाला हो, वो वीतराग धर्म है। वीतराग किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के राग और द्वेष समस्त समाप्त हो जाते हैं, यानी अज्ञान समाप्त हो जाता है, वह वीतराग बन जाता है। और वीतराग बनने वाली आत्मा जिस औदारिक शरीर में होती है, वह औदारिक शरीर स्वयं ईश्वर बन जाता है, पूजनीय वंदनीय और स्तुत्य बन जाता है और उसकी पूजा की जाती है, वो जीता जागता भगवान होता है। तो इसीलिए, और वह भगवान औदारिक शरीर में ही हो सकता है। जीता जागता भगवान जो मनुष्य का औदारिक शरीर है, उसी में ही हो सकता है। हमारे पूरे इस जो है विश्व के अंदर 84 लाख जीवा योनि है, लेकिन एक ही जीवा योनि का प्राणी भगवान बन सकता है। कितनी बड़ी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मानव जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है। 4 बातें मानव जीवन में बहुत दुर्लभ होती है। सबसे पहली दुर्लभ बात तो है मानव जीवन का मिलना, और दूसरी बात होती है कि ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, तीसरा ईश्वर की वाणी में विश्वास होना, चौथा ईश्वर की वाणी को जीवन में उतारना। जिसके ये 4 बातें आ जाती है, वह वीतराग बन जाता है। वीतराग कैसे बनता है, इसकी हम थोड़ी प्रोसेस को समझें। देखिए कि जैन दर्शन के अंदर 14 गुणस्थान कहे गए हैं। गुणस्थान का मतलब होता है वो जो स्टेजेस, वो क्रमिक मार्ग की एक के बाद एक दूसरे पे चढ़ करके और आत्मशुद्धि को करता हुआ प्राणी जो है वो वीतराग को प्राप्त करे। वीतराग को प्राप्त करने के लिए हमारे इस शरीर और जो हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, उसके बीच में एक मिश्र चेतन है, उसी ने इन दोनों को जोड़े रखा है। वह मिश्र चेतन अज्ञान है, राग द्वेष है, कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर कहते हैं, कर्म रज कहते हैं, कर्म फल कहते हैं, इसको देवता कहा जाता है, इसको दृष्ट कहते हैं, कई कई नाम दिए हैं। जो आत्मा में विश्वास करते हैं, कर्मों में विश्वास करते हैं, वो सब ये मानते हैं ये कर्म ही अज्ञानता है। इस कर्म को खपाना मीन्स जो है भेद विज्ञान का होना। भेद विज्ञान का होने का अर्थ है कर्म शरीर अलग हो जाता है और हमारी विशुद्ध आत्मा जो मूल स्वरूप में वो अलग अलग हो जाती है। दोनों का अलग अलग हो जाना ये जो है भेद विज्ञान कहलाता है, या अलग अलग अनुभूति। शरीर में दोनों साथ रहते हैं, लेकिन भेद विज्ञान के द्वारा दोनों की अलग अलग अनुभूति की जाती है, तो वह भी भेद विज्ञान कहलाता है। तो व्यक्ति वीतराग कैसे बनता है? देखिए, जो ये हमारा कर्म शरीर है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये कर्म शरीर इकट्ठा क्यों होता है? ये अशुद्धि है, ये कर्म रज है, इकट्ठी क्यों होती है? इसकी इकट्ठी होने का कारण है आश्रव।
आश्रव के पांच भेद है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि यथार्थ को अयथार्थ समझना, झूठी अवधारणा, मुक्त को अमुक्त समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार को मार्ग समझना, साधु को असाधु समझना, और उसके अलावा जो है वो सही को गलत समझना, गलत को सही समझना। जब हमारी जो गलत धारणा हो जाती है वो मिथ्यात्व है। अविरति का अर्थ होता है कि धार्मिक क्रिया जो शुद्ध करने वाली क्रिया है उसके अंदर तो रुचि नहीं होना, और अधार्मिक क्रिया यानी खाओ पियो मौज मजा मस्ती ईट ड्रिंक बी मेरी जो संसारी क्रिया है उसमें रुचि लेना है वो अविरति होता है। और प्रमाद का अर्थ होता है कि धार्मिक क्रिया में धर्म करने में स्वरूप की जानकारी करने में जो है वो रुचि का न रहना और उसके अंदर प्रमाद करना, आलस्य करना, ये प्रमाद कहलाता है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय क्रोध मान माया लोभ को कषाय कहते हैं। और योग मन वचन काया तीनों योग है। तो होता क्या है कि ये जो हमारा सारा पांचों ही आश्रव है ये एक एक द्वार के द्वारा भीतर आते हैं आत्मा के साथ में, कर्म शरीर के अंदर मिलते हैं उसको आश्रव बोला जाता है। तो ये कर्मों के आने का द्वार जब खुला रहता है तो ये जो है कर्म हमारे आत्मा के भीतर में आते रहते हैं, और जब हम इस कर्म के आने के द्वार को बंद कर देते हैं तब हमारा काम बनता है, वह संवर कहलाता है। संवर एक साधना है और संवर को भगवान ने धर्म भी कहा है। संवर का अर्थ होता है कि जितने भी पापकारी प्रवृत्ति उनको रोक लेना, प्रत्याख्यान कर देना और प्राणी मात्र को किसी तरह का कष्ट न देना, ये सबसे बड़ा संवर कहलाता है। तो इसीलिए ये कर्मों का आने का द्वार है, इसको बंद करने से ही व्यक्ति वीतराग होता है। और जब बंद कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारे भीतर भी जन्म जन्मांतर से जो है वो कर्म जो है पड़े रहते हैं, इकट्ठे हुए हुए होते हैं कॉजल बॉडी के रूप के अंदर। और एक बड़ी विचित्र बात हम आपको बतावें कि एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो ये कर्म शरीर को हमेशा साथ लेके जाती है। ये कर्म शरीर है वो आठ द्रव्य कर्म का पुतला है। चार तो आत्मा की घात करने वाले होते हैं जो कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मौनी और अंतराय होते हैं। और ये कर्मों के घात का अर्थ ये होता है कि कर्मों का जो मूल स्वरूप है उसको प्रकट नहीं होने देता है। ज्ञानावरणीय कर्म हमारा अनंत ज्ञान का जो केवल ज्ञान है उसको प्रकट नहीं होने देता, और दर्शनावरणीय कर्म जो है अनंत दर्शन यानी हमारा जो फेथ है हमारी जो श्रद्धा है वो अनंत है। तो इस श्रद्धा को क्या ये डावाडोल करने लग जाता है वो दर्शनावरणीय कर्म इसको रोके रखता है। और तीसरा मौनीय कर्म है वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन और अनंत सुख। हमारी आत्मा सुख का भंडार है, सुख के भंडार को रोकने वाला मौनीय कर्म है। और अंतराय कर्म जो है हमारी आत्मा की अनंत शक्ति को रोकने वाला, ये चार शक्तियां आत्मा की जो है वो हमारे आत्मा के गुण हैं, लक्षण हैं, शक्तियां हैं, इन सब को रोकने वाला जो है ये हमारे घाती कर्म हैं। ये ब्रॉड फॉरवर्ड होते रहते हैं। देखिए घाती और अघाती कर्म का विषय अलग आएगा जो बताएंगे। घाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, अघाती कर्म हर शरीर के हिसाब से होते हैं और इस शरीर के अंदर भोग लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो है शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहने वाला कर्म अघाती कर्म, आत्मा से जुड़ा हुआ रहने वाला घाती कर्म कहलाता है। और घाती कर्म जो है जब साफ हो जाते हैं तभी व्यक्ति वीतराग बनता है। और जब ये साफ होकर के एक आठवां जो गुण स्थान होता है वह क्षपक श्रेणी होता है। आठवां गुण स्थान जंक्शन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है कि इस गुण स्थान में इस प्रोग्रेस के अंदर
आत्मा पहुंच करके कौन सा रास्ता लेती है। आत्मा अगर क्षपक श्रेणी ले लेती है तो निश्चित ही वहाँ नींव लग जाती है कि ये जीव इसी जन्म के अंदर मुक्ति को जाएगा, और वह अगर उपशम श्रेणी ले लेती है तो वो 11वां गुण स्थान के अंदर उपशांत मोह कर्म को टच करेगा और वहाँ पे उसको सांप चिड़ी वाला खेल होता है, सांप काटता है और वो गिर करके पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आ जाता है। क्षपक श्रेणी लेता है वो 8वां 9वां 10वां 8वां क्षपक श्रेणी ली, 9वां 10वां गुण स्थान, 11वां छोड़ के 12वें में जाकर के वो वीतराग बनता है। वीतराग का मतलब है कि वो भगवान का हो गया, और वैसे क्षपक श्रेणी लेने के बाद भी हम मान सकते हैं कि वो ईश्वर बन गया, क्योंकि उस भाव के अंदर मुक्ति को अवश्य जाएगा। तो 12वें गुण स्थान में आने के बाद में संपूर्ण रूप से राग द्वेष समाप्त हो जाता है, वह वीतराग कहता। जो व्यक्ति वीतराग बनता है, हमारे 24 ही तीर्थंकर हमारे सारे केवली वीतराग होते थे, जो वीतराग होता है वह सम दृष्टि से सबको देखता है। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता है। उसके लिए समस्त आत्माएं एक सी होती, न किसी से राग होता है न किसी से दोष होता है, क्यों? राग द्वेष का जो कर्म बीज है वह जल जाता है, वह समाप्त होता है। जब कर्म बीज ही नहीं रहेगा तो फिर पौधा कहाँ से हो गया। इसीलिए वीतराग जो 12वां गुण स्थान के अंदर कर्म बीज नहीं होता है और वो वीतराग हो जाता है। इसीलिए ये वीतराग का धर्म मीन्स भगवान का धर्म, अर्यंत का धर्म, तीर्थंकर का धर्म, केवलियों का धर्म है, वीतराग धर्म कहलाता है, और इससे ऊपर कोई भी धर्म नहीं है। क्योंकि इस धर्म के अंदर जाति, कुल और जो है लिंग, भाषा, किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होता है, और वीतराग धर्म को कोई भी आत्मा प्राप्त कर सकती है। बस एक कंडीशन है कि उसको राग द्वेष विजेता बनना होगा, उसको समस्त प्रकार के राग दोषों को धोकर के उसको जीतना होगा, तब वो वीतराग बनता है। तब हमने अब हमको बहुत क्लियर हो गया कि वीतराग धर्म किसे कहते हैं। वीतराग धर्म अहिंसा प्रधान होता है, जिसमें राग द्वेष का एक भी परमाणु नहीं होता है, वह वीतराग धर्म होता है। अब अनेकांत की परिभाषा करें तो अनेकांत की अगर हम परिभाषा करते हैं, अनेक प्लस अंत, जिस बात के अनेक अंत होते हैं उसको अनेकांत कहते हैं। यानी बहुत से सत्यांशों से मिलकर के जो सत्य बनता है वह अनेकांत कहलाता है। वह दृष्टिकोण अनेकांतवादी दृष्टिकोण है, वो शादवादी दृष्टिकोण होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, कि हम जो हमारे जो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में सत्यांश है, दूसरे व्यक्ति के पास में सत्यांश है, तीसरे के पास सत्यांश है, पूरी दुनिया के अंदर 7.8 अरब की जनसंख्या में 7.8 तरह के सत्यांशों को जब जोड़ दिया जाता है तब परफेक्ट ट्रुथ बनता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है, वह केवल ज्ञान है। और वो हमने अभी बताया कि वह वीतराग के पास ही होता है। अभी इस वक्त में हमारे भरत क्षेत्र के अंदर कोई वीतरागी नहीं है। जम्बू स्वामी ने जो है यहाँ पर हमारे मोक्ष के ताले लगा दिए हैं, लेकिन महाविदेह क्षेत्र के अंदर जहाँ सिमंदर स्वामी विराजमान है वो कम से कम जो है वो 20-30 तंकर एनी समय विराजमान रहते हैं, तो वहाँ पर हर वक्त चौतारा चलता है और वहाँ पर आज भी लोग जो है मुक्ति को जाते हैं। तो अभी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वीतराग धर्म जो है वो अनेकांत है। अनेकांत के अंदर हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी चिंतन है, मेरा भी विचार है, और ये जो है मेरा भी मत है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आग्रहीन आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। जहाँ पर
आग्रह नहीं होता है वहाँ पर जो है वो अनेकांत पैदा होता है। जहाँ आग्रह आ जाता है वह एकांतवादी दृष्टिकोण होता है, वह ये कहता है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है, मेरी विचारधारा ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मुक्ति जाना हो तो मेरे धर्म के पास आओ, मेरे धर्म के अलावा कहीं पर भी मुक्ति नहीं है, ये आग्रह है। तो समाज मान होता है, समाज को नमन किया जाता है, हम समाज की इकाई है, समाज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समाज के उपरीम सुप्रीम बनने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज हमको पहचान देता है, समाज हमारी प्रतिष्ठा करता है, समाज हमको प्रोत्साहन देता है, तो उस समाज की तो हमें सेवा करनी चाहिए परोपकार के माध्यम से, जगत कल्याण के माध्यम से, जय जगत के माध्यम से और जन कल्याण करने की भावना रखनी चाहिए, वही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। तो भाई और बहनों, हमारा ये आज का विषय है वीतराग धर्म अनेकवादी है। बहुत ही सही कहा गया है कि ये दोनों जो है वो ध्रुव है, पराकाष्ठा के ध्रुव है। वीतराग है ये जो है धर्म की पराकाष्ठा है, और अनेकांत है ये हमारी लाइफ स्टाइल की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति अनेकांत को समझ लेता है, उसके हार्ड को समझता है और एप्लीकेबल करता है, अप्लाइड अनेकांत लगाता है, तो उसको जीवन में कोई तकलीफ आने की नहीं है। क्योंकि अनेकांतवादी होने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आ रहा है, चाहे परिवार का आ रहा है, समाज का आ रहा है, देश का आ रहा है, विश्व का आ रहा है, तो जो कुछ भी वो सामने वाला बात कहेगा उसको तवज्जा देगा, और अगर सपोर्ट करने की बात है तो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने की नहीं है तो वो वाद विवाद नहीं करेगा, मौन रहेगा या जो है एकांत में उसको बताएगा कि ये जो है अवधारणा यूं नहीं ऐसे होती है, उसका तिरस्कार नहीं करेगा। किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करना, आचार्य का, साधु का तिरस्कार नहीं करना, किसी संस्कृति का तिरस्कार नहीं करना, ये अनेकवादी अनेकांतवादी दृष्टिकोण के सूत्र है। तो भाई और बहनों, ये वीतराग धर्म अनेकांतवादी है, ये हमारी बात बिल्कुल सही है। और हम तो ये चाहेंगे कि अनेकांत को अगर पूरे विश्व के अंदर जो UNO जिसकी प्रतिनिधि संस्था है वो अनेकांत की विचारधारा को अपना ले, उसको अप्लाई करे, तो ये आज जो हमारे जो साम्राज्य को लेकर के समस्याएं जो हमारे देशों के बीच में खड़ी है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आज अपनी अपनी सुरक्षा से डर करके हर देश 70-75% अपना पूरा बजट है अपनी सुरक्षा यानी जल सेना थल सेना और नभ सेना पर लगाता, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आज उस बजट की वजह से इतना जखीरा खड़ा हो गया है कि 7.8 अरब की जनसंख्या को 7.8 सेकंड में भूना जा सकता है। लेकिन कोरोना ने इंसान को आज समझा दिया है कि तेरी मिसाइल तेरे पास में रख, एक अदना सा वायरस जिसने पूरे विश्व के अंदर संक्रमण करके लोगों के जो है छक्के छुड़ा दिए और लोगों को यह जो है वो बात बता दी कि तुम्हारे जहां अस्त्र काम नहीं आते, शस्त्र काम नहीं आते, वहां पर छोटा सा जीवाणु है, तुम्हारे को तहस नहस कर सकता है। पूरे विश्व की आबादी कितनी प्रभावित हुई है, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र है वही हमारा कल्याण करने वाले हैं। वास्तव में जो कल्याण होगा वो वीतराग धर्म से होगा, कल्याण होगा वो अनेकांत धर्म से होगा। वीतराग धर्म है हमारे सामने का आदर्श है, और अनेकांत और शादवाद है ये लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लिविंग है, साइंस ऑफ लिविंग है, और ये जीवन जीने की पद्धति है। इसको जीवन के अंदर उतारना चाहिए, और जीवन में जब उतरता है तब जो है हमारे जो हमारा विकास होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अनेकांतवाद को जीवन का लक्ष्य बनावें, और वीतराग धर्म है हमारा आदर्श होना चाहिए।
वीतराग धर्म में किसी को तकलीफ नहीं होती, एक विश्व धर्म भी बन सकता है। चलो धर्म निरपेक्षता की बात है, विश्व धर्म के रूप में कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो वीतराग धर्म एक विश्व आदर्श का की अर्थता रखता है, क्योंकि वीतराग वह होता है जो भूत जो कि बाद में जाकर के केवल ज्ञानी हो जाता है। केवल ज्ञानी भूत भविष्य वर्तमान और जो जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला है वह भगवान है। उससे छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है, वो हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य है, वो प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि अनेकांत जो है वो भगवान महावीर ने जो कि स्वयं वीतरागी है, उनका वीतराग धर्म है, वो केवली है, वो अर्यंत है और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते वाले हैं, तो उन्होंने ये अनेकांतवाद दिया है, शादवाद दिया है, तो उसमें संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। भगवान की वाणी में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर की वाणी में अर्यंत की वाणी के अंदर विश्वास करता है वही वास्तव में सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। एक बार किसी भी जीव को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो वह निश्चित रूप से जो है मोक्ष की नींव लगाता। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम में हम आपको यही बात बताना चाहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, सार्वभौम सत्य क्या है, इस दुनिया का परम सत्य क्या है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। और उस बताने के लिए हमने जो है कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून का आधार लिया है। उसके आधार पे हम आपको बताना चाहते हैं कि इस संसार का जो सनातन सत्य यही है कि हमारी आत्मा सर्वोप्रिय है, चेतन तत्व है, वही मुक्ति जाने वाला है। और दो सूत्र हम जो है आपको देना चाहते हैं। पहला सूत्र है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये शरीर है, ये मन वचन काया रूपी है और पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो मन वचन काया रूपी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एक हमारा सिद्धांत। दूसरा है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, कोई अवस्था को हमने छोड़ा नहीं है, हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। कोई भी पूरे जन्म से मृत्यु तक के बीच की कोई भी मन वचन काया की अवस्था है वह कुदरत के अधीन है, क्योंकि हमने तो पिछले जन्म में जब आयुष्य कर्म समाप्त किया, जब पेपर समाप्त किया, तो कुदरत को हमने हमारी आंश्वर सीट दे दी। अब कुदरती मालिक है और कुदरती हमको रिजल्ट देगी और कुदरती हमको जन्म देती है और हमारा पालन पोषण करती है और हमारे मन वचन काया की हर प्रवृत्ति के अंदर वो संजोग जुटाती है। संजोग जुटाने का काम है ये प्रकृति का है, कुदरत का है, और वो जुटाती है लॉ ऑफ द नेचर, अपने नेचर के लॉ के अनुसार। तो ये दो सिद्धांत है, और जब वो संजोग जुटाती है तो हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है, यानी संजोग नाशवान है क्योंकि अवस्था है। तो ये तो जो हम पीछे से लेकर के आए, जो टैप रिकॉर्ड है, जो मन वचन काया की बैटरी है, जब डिस्चार्ज होती है तो वो समाप्त हो जाता है, भोग लिया जाता है, वो प्रारब्ध और उदय समाप्त हो जाता है और मैटर क्लोज हो जाता है। तो इसीलिए जो है, पर ये तो टेम्परेरी चीज़ हो गई, एब्सोल्यूट टेम्परेरी है, परमानेंट क्या है, खुद का मकान क्या है, खुद का मकान है चेतना, क्योंकि मुक्ति में जाने वाली चेतना है और अनादि अनंत काल से जो चेतना हमारे भीतर उसी रूप में है जो पहले थी, ये तो ऑलरेडी मूल स्वरूप वाली शुद्ध स्वरूप में है। ये बात अलग है कि इसके साथ में ये राग द्वेष रूपी अज्ञान जुड़ गया है, इसलिए बॉन्डेड हो गई है, अशुद्ध हो गई है। तो लक्ष्य भी हमने यही बनाया है कि अशुद्ध जो है आत्मा को जो है शुद्ध किया जाए, ये जीवन का लक्ष्य है। और मनुष्य जल्दी से जल्दी शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मनुष्य एक डेवलप्ड प्राणी है, उसके पास डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अहंकार है और डेवलप्ड आत्मा होती है। तो मनुष्य अगर चाहे तो इसको एकदम जो है वो कार्मण शरीर कॉजल बॉडी को अज्ञान को
मिश्र चेतन को अलग कर सकता है और वो करना भी चाहिए। तो ये सारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, अज्ञान का नाश करना। और अज्ञान का नाश है वो ज्ञान से होता है। ज्ञान कैसे मिलता है ये अपना आप में एक बड़ा विषय है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वीतराग भगवान के धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखो। साईं बाबा कहा करते थे कि श्रद्धा और सबूरी, अगर आप कोई भी बात में श्रद्धा रखते हो और विश्वास रखते हो, श्रद्धा रखते हो, और सबूरी के मतलब धैर्य है, उसका रिजल्ट आने तक धैर्य रखते हो। रिजल्ट आने में किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उसके रिजल्ट तक अगर धैर्य रखा जाता है तो हमेशा अच्छे आते हैं, क्योंकि श्रद्धा होती है वो फलवान होती है। देखिए, जब मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके और पत्थर की मूर्ति को लगाया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो भगवान बन जाता है। तो इसीलिए श्रद्धा बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें वीतराग धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि वह जो है अनेकांतवादी धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिलकर के जो स्वर्ग को धरती पर उतारना है, आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।